हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पोलो ग्राउंड, जो कि पटियाला में है, और आज यहां पे एक ब्रेव हार्ट्स बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि आज हम कवर करेंगे और आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि ये रैली कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए आपको हम रैली में लेकर चलते हैं। चलो, फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बाइक्स, अलग अलग तरह की बाइक्स हैं। यहाँ पे हार्ले डेविडसन भी है। तो यहाँ ये पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे एक फ्रेंड्स ट्रैक है, ये आप देख सकते हैं। और ये बाइक रैली स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सारी बाइक्स को ट्रैक पर अलाइन कर लिया गया है और ये रैली स्टार्ट होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की बाइक है यहाँ पर, स्पोर्ट्स बाइक भी हैं, बुलेट्स हैं, नॉर्मल बाइक्स भी हैं फ्रेंड्स, बट मोस्टली हैवी बाइक्स ही हैं यहाँ पर। सबने सेफ्टी यूज की हुई है, सबने प्रॉपर हेलमेट एंड बाकी एक्सेसरीज यूज कर रखी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक विदाउट सेफ्टी यहाँ पर अलाउ भी नहीं है। सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रैक फिल हो चुका है और कितनी लंबी कतार है ये आप देख सकते हैं। सारी की सारी बाइक्स अपनी कतार में जाकर पीछे की तरफ खड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सामने जो स्टेज है उस पर ये बताया जा रहा है कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं एंड कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, द मूड इज इलेक्ट्रिक एंड योर जोश एंड एंथुसियाज्म इज विजिबल इन द रेविंग ऑफ द बाइक्स। इट्स सो नाइस दैट यू आर हियर दिस मॉर्निंग टू गो एंड स्प्रेड द वर्ड फॉर द मिलिट्री लिटरेचर हेरिटेज फेस्टिवल दैट यू आर गोइंग ऑन योर मोटरसाइकिल। विश यू अ वेरी सेफ एंड हैप्पी राइड। जय हिंद। फ्रेंड्स, ये गो दे दिया गया है और हमारी बाइक रैली स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
निकालते हैं। फ्रेंड्स ये बाइक सारे आउट ऑफ द ग्राउंड जा रही हैं, आई थिंक हमें भी साथ में जाना चाहिए, तो हम इनको फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स ये बाइक रैली खालसा कॉलेज में ख़त्म होगी जो कि इनका एंड पॉइंट है, और वहाँ पे एक आर्मी टैंक एग्जीबिशन भी है, वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल ये बाइक रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है पोलो ग्राउंड से। आई थिंक ये रैली जो है 26 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अब हम खालसा कॉलेज जा रहे हैं जहाँ पर ये बाइक रैली ख़त्म होगी, और ये मेरे फ्रेंड साथ में हैं पीटर, तो हम अपनी बाइक से आए थे और हम वहाँ पर जा रहे हैं। अब आप हम आपको वहाँ पर मिलते हैं खालसा कॉलेज में। फ्रेंड्स हम खालसा कॉलेज में एंटर कर चुके हैं, और वो सामने है एंट्री गेट, और आप सामने देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर रखा है। आप देख सकते हैं सामने टैंक भी हैं, और यहीं पर बाइक रैली जो है वो ख़त्म होगी। अभी तक बाइक रैली यहाँ पर पहुँची नहीं है, हम उसका वेट करेंगे। गाइस बाइक रैली जो है वो उसी गेट से सामने जो आप देख रहे हैं यहीं से एंटर होगी, और देख सकते हैं यहाँ पर सामने कितने शानदार टैंक की प्रेजेंटेशन की हुई है, और यहाँ पर काफ़ी स्कूल के बच्चे भी हैं जो यहाँ पर टैंक वगैरह देखने के लिए आए हुए हैं, और सामने स्टेज है जहाँ पर एंकरिंग की जा रही है जो कि पूरे अरेंजमेंट के बारे में बता रहे हैं। गाइज ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स आप ये सामने देख सकते हैं टैंक जिस पर लिखा हुआ तेजस, और सामने हमारे आर्मी के सोल्जर खड़े हैं, और कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं।
और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने एक तोप है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज हैं टैंक की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट टैंक जो हमने देखा था तेजस वो अलग था और यहाँ पर जो है वो अलग है। यहाँ पर इस टैंक पर लिखा हुआ है भीष्मा। सामने हमारे आर्मी के जवान जो है बच्चों को आर्म्स के बारे में बताते हुए और ये टैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए इसको हम ऊपर चढ़कर देखते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा फ्रेंड पीटर है जो कि ऊपर चढ़ के फोटोग्राफ हम क्लिक कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंटरनली इस टैंक को कैसे चलाया जाता है और ये मेरा फ्रेंड अंदर पीटर है। पीछे वाला भी खुलता है। मैं देखा फ्रेंड्स आप ये टैंक के अंदर का सीन देख रहे हैं, इस टैंक को कैसे हैंडल किया जाता है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये बाकी लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। आई थिंक इसमें 10 लोगों की कैपेसिटी है जो हमने बातचीत की आर्मी सोल्डर से। और ये सामने दुश्मन को देखने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बाइक रैली यहाँ पर एंटर कर चुकी है। अभी हम गाइस बाइक रैली को अटेंड करते हैं, इसके बाद आपको प्रॉपर से हम टैंक रैली टैंक एग्जीबिशन दिखाएंगे। बाइक साढ़े को पहुंचनिया शुरू हो गई एक एक्टिवा 764। फ्रेंड्स सामने ये फूड कोर्ट है, खाने पीने की स्टॉल्स हैं, वहां पे भी हम चलेंगे। We'll be right back.
फ्रेंड्स ये बाइक देख सकते हैं आप, अलग अलग वैरायटीज की बाइक्स हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी बाइक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स ये रॉयल एनफील्ड की बाइक आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया बाइक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक अलग ही लुक है इस बाइक की। चंडीगढ़ का नंबर है फ्रेंड्स ये, और ये भाई हमारे चंडीगढ़ से आए हुए हैं। और बाइक्स दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स ये बाइक देख सकते हैं, इसकी लुक बिल्कुल ही अलग है। और ये चंडीगढ़ का नंबर है एंड ये जावा कंपनी की है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लुक है, सिंगल सीटर है। फ्रेंड्स ये बाइक आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की है, हिमालयन। फ्रेंड्स ये बाइक आप देख सकते हैं ESD कंपनी की है, ये भी एक अलग कंपनी है जिसकी लुक बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर गाइस सभी अलग अलग वैरायटीज की बाइक्स हैं, मोस्टली हैवी बाइक्स हैं एंड इनको ज्यादातर बाइकर्स यूज करते हैं हिली एरिया में, क्योंकि इनका एक ग्रुप होता है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल हॉल नंबर 18-19 नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली वाला। फ्रेंड्स ये बाइक है होंडा हॉर्नेट की, आप देख सकते हैं 2.0 सॉरी। फ्रेंड्स हमने बाइक्स तो कवर कर ली हैं और अब हम टैंक्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो आर्म्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, हर टैंक के साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और साथ में हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं जो कि एक आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक कंधे पे रखता है और एक एमिनेशन को भर के साइड में रखता है।
उसका काम है, जैसे खैर होगा कंधे पे रखता है उसको झटका नहीं लगता है। नहीं नहीं, इसमें आप विजिबिलिटी देखते हो, आप एम लेते हैं वहाँ से देखता है, जो कंधे पे रखता है ये अंदर से देख के आगे मिलाता है टारगेट के ऊपर और फायर करता है। और यहाँ से जो राउंड फायर उठाना नहीं सर, उठाता नहीं, फोटो खिंचाना। हाँ, ये लाइट मशीन गन है, LMG बोलते हैं। ये क्या है, एक इंसास LMG, उसका 700 मीटर तक क्या लगता है फायर करता है। 700 मीटर तक है, मारने की क्षमता रखती है, टच करके मुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, 700 मीटर मारने की क्षमता है, मारने जो भी इसकी जो कार्ड रेंज है ना, ये बिल्कुल कैजुअलिटी करेगी, मारेगी अगर उसके सामने आ गया, करेगी जोर से बिल्कुल। और ये इसमें 30 राउंड आते हैं, इसके अंदर 30 राउंड भरे, ठीक है। ये इंसास राइफल इसमें 30 राउंड भरे जाते हैं, ये 400 मीटर तक फायर करते हैं। अच्छा, ये वाली पार्ली वाली पीकेटी बोलते हैं, मशीन गन लाइट है कि दूसरी? ये मशीन गन हैवी मशीन है, ये लाइट है, ये मशीन गन लाइट मशीन गन, ये 2 किलोमीटर तक फायर किलोमीटर वो लगी हुई है, ये भी इधर लगी हुई है, देखा होगा आपने, टैंक के ऊपर लगी, जो पैर रखा है ना उसके बगल में लगी हुई है। ये जो टैंक के आगे क्या लगा है, ये भी गन है। अच्छा, टैंक की गन है, 30 mm कैनन बोलते हैं। अच्छा, उसकी रेंज कितनी होती है? उसकी रेंज कितनी होती है? 4 किलोमीटर। और ये दोनों सेम ही है? अच्छा, 4 किलोमीटर तक दिन और रात में भी। अच्छा, रात में भी 4 किलोमीटर। ये क्या है, ये वाला? वही तो एमिनेशन है उसी का। अच्छा, उसी का। और ये है जो इंसान को मारने के लिए, ये एक ही फर्ज का राउंड नहीं होता है। सिंगल सिंगल करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, प्रेस करो 10 राउंड बाहर। फ्रेंड्स, से आप देख सकते हैं कितना क्राउड हो चुका है, क्योंकि ये एग्जीबिशन शाम के 5 बजे तक है और काफी लोग लेट आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कई अभी तक फार नहीं होते, जब फार होता है, फार होने के बाद जहाँ भी जाके लगता है मन उसके ऊपर, या उसको बंकर्स के ऊपर लगा, या फिर कई फ्यूल डल हो गया, मशीन डल हो गई, उसके ऊपर लगने के बाद ये फ्यूज ब्लास्ट करेगा, इसके अंदर जो छर्रे होता है छर्रे निकलेंगे और वहाँ के जो इन्फेंट्री सेना है या फ्यूल है उसका। साढ़े को इस टाइम इंडिया को टैंक ने बाहर कि कंट्रिया के टैंक असं यूज है नवी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये एक अलग तरह का टैंक है जिसका नाम है फुल विड्थ माइन प्लग। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर समतल जगह प्रॉपर नहीं होती है, यानी कि उबड़ खबड़ जगह होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक टाइप टैंक है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लास्ट टैंक है, इसका नाम है T-55 एंड KMT-5 ड्रॉल, और ये भी एक यूनिक टैंक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये आर्मी सोल्जर्स को बहुत ही हेल्प करता है जंग के दौरान में। फ्रेंड्स, हमने टैंक सारे कवर कर लिए हैं और अभी खालसा कॉलेज में जो भंगड़े का इवेंट है वो स्टार्ट होने जा रहा है, हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम आपको भंगड़ा दिखाते हैं, पंजाब का जो एक मेन कल्चर इवेंट होता है। Yeah.
फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट की तरफ। यहाँ पर बुक स्टॉल भी है जो कि अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं। आइसक्रीम भी अवेलेबल है यहाँ पर फ्रेंड्स, एंड आगे टिक्की डोसा गोल गप्पे फ्रेंड्स, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हैंडक्राफ्ट्स, कार्ड्स एंड बैग्स। फ्रेंड्स ये रिफ्रेशमेंट्स हैं राइडर्स के लिए, जो बाइक रैली में बाइकर्स थे उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स हैं। और ये पिज़्ज़ा मेकिंग पिज़्ज़ा अवेलेबल है यहाँ पर, स्वीट्स हैं, समोसे हैं। कुल्फी फलूदा फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये स्नैक्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, अगेन बुक्स, जलेबी, पास्ता सैंडविच स्टॉल, बिस्किट्स हैं, अरे मोमोज, फ्रेंड्स हर तरह का यहाँ पर फूड अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इवेंट जो हमने कवर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।